आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पिंकी फूड एंड फन। बहुत ही आसान खील के लड्डू बनाएंगे, वो भी इतनी सिंपल तरीके से कि घर में कोई भी इसे आसानी से बना सकते हैं। ना ही हमें चाशनी बनाना है, ना ही ज्यादा मेहनत करनी है, बहुत ही आसानी से बन जाएगी गणेश चतुर्थी का प्रसाद। लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम जितना खील लिए है, इसे अच्छे से साफ कर लिए है। ये जो खील है ये थोड़ी सी सॉफ्ट है, तो मैं इसे एक कढ़ाई में थोड़ी देर के लिए ड्राई रोस्ट कर लूँगी ताकि ग्राइंड करने में आसानी हो। तो एक गरम कढ़ाई में डाल दूँगी सारे खील को और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। खील में जो धान है तो कुछ रह भी जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम इसे जब ग्राइंड करेंगे तो ये सारे पीस जाएंगे। अब खील रोस्ट हो चुका है तो मैं इसे एक बॉल में निकाल के हल्का ठंडा कर लूँगी और फिर इसे मिक्सिंग जार में डालकर ग्राइंड कर लूंगी। तो देखिए खील को मैंने ग्राइंड कर लिया है, एकदम पाउडर नहीं बनाया मैंने इसे, इस तरह से कोर्सली ग्राइंड करना है। अब फिर से गैस पर चढ़ाएंगे एक कढ़ाई और इसमें डाल दूंगी एक कप गुड़ और थोड़ी सी पानी। अब इसे पिघलाएंगे। ये देखिए गुड़ पिघल चुका है, तो अब मैं इसे एक बार छान लूंगी ताकि इसमें अगर कोई भी गंदगी हो तो वो निकल जाए। अब इसे फिर से कढ़ाई में डालकर पकाएंगे लो फ्लेम पर ताकि गुड़ जलना चाहे, और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। ये देखिए छन्नी में कितनी गंदगी निकला है, तो मैं इसे अब पकाऊंगी जब तक ना ये गुड़ थोड़ी सी गाढ़ा हो जाए और चिपचिपा हो जाए। डाल दूंगी आधा छोटा चम्मच सॉफ्ट पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच अदरक ग्रेट करके। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हैं या फिर तीन में से कोई भी एक डाल सकते हैं। इससे लड्डू का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। ये देखिए गुड़ गाढ़ा हो चुका है, चिपचिपा सा हो गया है। आप ऐसे पानी में डालकर भी चेक कर सकते हैं। गुड़ पानी में डालने से अगर ऐसे गोला पक जाए तो ये गुड़ लड्डू बनाने के लिए तैयार है। अब मैं इसमें डाल दूंगी खील का पाउडर और गैस बंद कर लूंगी, फिर इसे अच्छे से गुड़ के साथ मिक्स कर लूंगी। फ्रेंड्स, इस खील को कोई कोई लावा भी कहते हैं और कोई इसे खोई भी कहते हैं। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस मिक्सचर से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके मैं लड्डू बना लूंगी। तो हाथों को पानी में भिगो के इस मिक्सचर से थोड़ा थोड़ा लेके लड्डू का शेप बना लेंगे। ध्यान रखिएगा कि हल्का गर्म रहते हुए लड्डू बनाना है, अगर ठंडा हो जाए तो फिर गैस पर एकदम लो फ्लेम पर गर्म करके फिर से लड्डू बना लीजिएगा। और हाँ, गुड़ अगर आप चाहो तो और थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो है ना कितना आसान ये प्रसाद बनाना, कोई झंझट ही नहीं है, बहुत ही झटपट बन जाएगी ये प्रसाद। तो मैंने यहाँ पे सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। सच मानिए फ्रेंड्स, ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो आप इस गणेश चतुर्थी में जरूर ये प्रसाद बनाकर भगवान को चढ़ाए। और फ्रेंड्स, रेसिपी अगर पसंद आई तो जरूर से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको फ्रेश अपडेट्स मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नए कुछ रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।